हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही पहचाना आपने। और जी मैं इसी इलाके की जंपल हूँ जी, मोहल्ला नहीं हुआ तो क्या हुआ। मियां साजिद की तरफ से पेश की गई नई पंजाबी फिल्म गोगा लाहौरिया की शूटिंग का इफ्तिताह एवर न्यू स्टूडियो लाहौर में किया गया। फिल्म का इफ्तिताह चौधरी जास कामरान बाऊ अफजल भट्ट ने अपने दस्ते मुबारक से किया। फिल्म की शूटिंग को फिल्मी कैमरों के साथ साथ बरखा टीवी ने भी अपने कैमरे की आंख में महफूज किया। फिल्मी शूटिंग और इफ्तिताही तकरीब में मौजूद अदाकाराओं और शोबों से वाबस्ता कसीर अफराद ने शिरकत की, जबकि फिल्मी सनत के नामवरों ने बरखा टीवी से खसूसी गुफ्तगू की। देखें, ये फिल्म का नाम है गोगा लाहौरिया। तो लाहौर की जो शान है, लाहौर की जो हिस्ट्री है, वो है 12 दरवाजे। मैंने इस टॉपिक को लेकर फिल्म को शुरू किया है और मैं तो इतनी गहमा गहमी के हक में नहीं हूँ, लेकिन मेरे फिल्म साथ चौरी पप्पू गुजर साहब और गोगा लाहौरिया है, जो इनका जो नाम असल नाम है गुलाम मुहिद्दीन, उन्होंने इंसिस्ट किया है मुझे कि नहीं जी, मैंने तो ओपनिंग बड़ी धूमधाम से करनी है। और आप देख रहे हैं कि कितनी ये अच्छी गैदरिंग है और तकरीबन पूरी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पे तशरीफ लाई है। चौरी कामरान साहब हैं, सैयद नूर साहब हैं, जुल्फकार माना साहब हैं, बाऊ अफजल साहब हैं, और भी फैसल बुखारी साहब हैं, परवे कलीम साहब हैं, जितने भी मेरे कुलीग मेरे दोस्त वो सारे मेरी खुशी में आए हैं। अरशद महमूद साहब मेरे भाई हैं, वो अमेरिका से आए हैं। तो फिल्म का जो एक सब्जेक्ट है वो ये मैं डिस्क्लोज़ तो नहीं कर सकता क्योंकि ये सीक्रेट बात होती है, ईद पे ये फिल्म लगेगी, लेकिन मैं इतना आपको बता दूंगा कि बारह दरवाजे जो हैं लाहौर के, ये उस पे बेस करती है फिल्म। उसमें दुश्मन भी है, उसमें बदमाशी भी है, उसमें जो भी एक लवाजमात होते हैं पंजाबी फिल्म लोगों को देखने के लिए, वो मैंने डाले हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये फिल्म लोगों के मियार पर पूरा उतरेगी और लोग देखेंगे और ये महसूस करेंगे कि वाकई ये लाहौर की फिल्म है। ये ऐसे इससे पहले कभी ऐसा जो माहौल और उसके जो सीक्वेंस नासिरदीप साहब ने बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट लिखा है, ताफो साहब ने बहुत अच्छी मौसीकी बनाई है, जो एक कमर्शियल अंदाज होता है सबका। तो बहरहाल कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह अच्छी करे, बाकी वो डिपेंड करता है मेरे मौला पे कि वो कैसे जाते हैं। वैसे ये बता दीजिएगा कि खासतौर पर फिल्म इंडस्ट्री अब कोरोना के बाद दोबारा से रिवाइव हो रही है, तो इसमें थोड़ा सा पुश किया जाए इस इंडस्ट्री को, तो दोबारा से पहले की पोजीशन में आ सके। देखें, ये जो भी बरसर इकदार गवर्नमेंट होती है उसने कभी भी फिल्म इंडस्ट्री को तस्लीम ही नहीं किया, ना कभी उसके हाथ रखा है। तो ये भी नहीं रख रहे जो ये भी है हुक्मरान है, तो ये तो अपनी अपनी सेल्फ मेड है, प्रोड्यूसर अपनी फिल्में बना रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, लेकिन हुकूमती लेवल से किसी को कोई सहूलत नहीं है। और मेरी इस कास्ट में मोहम्मद आना है, हैदर सुल्तान है, नया लड़का है सैफ खान, दिया जट है, मेहरू है, और दो नई लड़कियाँ मैंने डाली हैं फिल्म में, और इससे पहले भी मैं सारी ये नई थी। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह मेहरबानी करेगा। असल के मुझे तारिक दाफू और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसी भरपूर किस्म की ओपनिंग, जिसमें राही साहब का बेटा था हैदर सुल्तान, फिर सैयद नूर साहब, मसूद भट्ट, और सबसे बड़ी बात है इसमें भी ताफो साहब का म्यूज़िक है कि गोगा लाहौरिया। और लाहौर तो आपको पता है हमें पहले बड़ा रास है, और हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आज शाहिद अली खान साहब हैं जो कि अब फिल्म के प्लेबैक सिंगर बहुत बड़े बन रहे हैं, और ये भी प्लेटफॉर्म जो है वो ताफो स्टूडियो का। शाहिद भाई कुछ कहें आप बरखा चैनल? सबसे पहले बरखा चैनल का बहुत शुक्रिया और तारिक ताफो साहब का बहुत शुक्रिया, मुझे फिल्मों में भी गुवा रहे हैं। और हमारा जो प्रोजेक्ट है हम दोनों का, हमने 6 गाने किए हैं और इसके वीडियो भी 3-4 बन चुके हैं, और इंशाल्लाह ताला आगे भी अच्छा काम होगा। और जैसे PSL ने छक्के मार दिए ना, ऐसे हमने भी छक्के मार दिए। और ये है कि हमारा ताल बीट का जो गाना है उसमें ताफो खान साहब ने जो परफॉर्म किया है तबले पे, और उसमें यूनिक चीज, क्लासिक चीज है जो भी ने जो काम किया है, और खुसूसन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तारिक ताफो साहब, और मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच जी। ये फिल्म पंजाबी फिल्म है गोगा लाहौरिया, जिसके हदायतकार मसूद भट्ट साहब हैं और जिसके प्रोड्यूसर गोगा साहब हैं। ये प्योर फिल्म बना रहे हैं पंजाबी लाहौर के कल्चर की, और इसमें मेरा रोल है, हम विलन हैं 4 जो हैं वो इंशाल्लाह ताला पूरी थ्रू आउट फिल्म में है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जब्बार सम्राट, और ये फिल्म स्टार्ट हुई है गोगा लाहौरिया। इसके डायरेक्टर हैं सुदीप भट्ट साहब, इसके राइटर हैं नासिरदीप साहब, और इसकी जो फिल्म की जो मेन हीरोइन है जोया अली, और ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बड़ा अच्छा काम करेगी इंशाल्लाह, एक अपनी सीट हासिल करेगी, और ये फिल्म भी साफ़ सुथरी है और अच्छी है, फैमिली मूवी है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा हिला आगा,
और इस वक्त एवरग्रीन स्टूडियो में हम लोगों ने एक थाने का सेट लगाया है। फिल्म है गोगा लाहौरिया, पंजाबी फिल्म है, और इसके मेन हीरो हैं मामा राणा साहब, शाहिद खान साहब और अच्छी खान साहब, और मैं नाची इज़राइला आगा, और हमारे बहुत से स्टार हैं इसमें माशाल्लाह। और आज फर्स्ट डे है, ओपनिंग है, मेरी बेस्ट विशेस तमाम इनके साथ हैं। अल्लाह पाक इस फिल्म को बहुत कामयाब करें। और इसके डायरेक्टर हैं सूदी भट्ट साहब, कैमरामैन हैं मसूद भट्ट साहब, और प्रोड्यूसर हैं गोगा साहब। अल्लाह पाक इनको बहुत इज्जत दे, कामयाबियाँ दे, आमीन। मसूद भट्ट की ये फिल्म गोगा लाहौरिया, आज उसका पहला दिन ओपनिंग सेरेमनी, और माशाल्लाह जितनी खूबसूरत उन्होंने इस फिल्म की ओपनिंग की है, मैं समझता हूँ कि ये बड़े बहुत ही अरसे के बाद हमने ऐसी रौनकें अपना स्टूडियो में देखी हैं, और अल्लाह करे कि ये रौनकें बहाल हो जाए। और यही अपना मसूद भट्ट की फ़िल्म गोगा लाहौरिया, मैं समझता हूँ एक ब्रेक बन जाए इस पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और एक संगे मील साबित हो, ताकि अल्लाह करे ऐसी रौनकें बहाल हो जाएँ और फिल्में शुरू हों, क्योंकि इस वक्त बहुत ही ज़रूरत है कि इस इंडस्ट्री का सर्वाइवल। और अल्लाह पाक हमारी वो इज़्ज़त जो हो गई है, जो हम अपना इस वक्त सवाल पजीर है, अल्लाह पाक हमें फिर तरक्की की मंजिल में पहुँचाए, रोज पे पहुँचे। और मैं समझता हूँ कि ऐसे मसूद भट्ट जैसे अपना माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, उसकी फिल्में शुरू हो रही हैं, उसके बाद और मेरे कलीग्स हैं भाई जो बना रहे हैं फिल्में, और इंशाल्लाह मैं भी अपना कोशिश कर रहा हूँ कि अपना शुरू करूँ, कुछ काम करूँ, तो इंशाल्लाह मिलजुल के अल्लाह करे इंशाल्लाह इस इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए सोचते हैं हम, खुदा से दुआ गो हैं। बस सोच ये है कि हमारी कोई भी हुकूमत, कोई भी अपना ऐसा अपना नहीं आया हुक्मरान जो इस इंडस्ट्री को ओन करे और कहे कि भाई ये भी अपना एक शोभा है, ये भी एक अपना एक अपना इंडस्ट्री है, और ना हमें आज तक इंडस्ट्री तस्लीम किया है। अफसोस इस बात का है कि इंडस्ट्री तस्लीम नहीं किया तो मरात भी नहीं देते, और इससे ये यतीमों की तरह ये अपने पाँव पे खुद ही अपना चल फिर रही है। जितना भी काम किया, हमसे टैक्स तो वसूल करते हैं मगर उसकी रिटर्न हमें नहीं मिलती। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत ज़रा सा इस वक्त साथ दे, इस वक्त बहुत ज़रूरत है, इसे इंडस्ट्री ओन करें, तस्लीम करें, और उसके बाद ख़ुद अपना कुछ 5-10 फिल्में शुरू करें, 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट करें। और मैं समझता हूँ कि ये 15 करोड़ रुपया हुकूमत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं कहता हूँ 10 फिल्में अगर शुरू हो जाएँ और 10 में से 2 भी हिट हो जाएँ, तो अल्लाह की फजल से, परवरदिगार की रहमत से, हम वो इनका 15 करोड़ वापस भी कर देंगे, और ये इंडस्ट्री अपने पाँव भी खड़ी हो जाएगी, और टेक्नीशियन फिर अपना बहाल हो जाएंगे, और काम फिर शुरू हो जाएगा। इस वक्त ज़रूरत है हमें फीड करने की, और फीड एक ही अदारा है, और वो है हुकूमत जो हमें ओन करे, क्योंकि इंडस्ट्री के अपना सर्वाइव होने से मैं समझता हूँ हमारे कल्चर को, हमारे पाकिस्तान की नुमाइंदगी, और उसके बाद हमारे मजहब, हमारे दीन, हमारे अखलाक, हमारी तालीमात, हर चीज़ को जो है ना वो एक तकवीत मिलेगी, और हम दोबारा अपना एक मैसेज देने के भी काबिल होंगे, और अच्छी फिल्में भी बनाने काबिल होंगे इंशाल्लाह ताला, जो कि पहले भी बनाई थी, अब भी बनेगी, और इंशाल्लाह बनती रहेगी। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह इस हुकूमत को भी अकल दे कि भाई ओन करें, ये कल्चर का हिस्सा है, और इससे बहुत बड़ा काम लिया जा सकता है, हुकूमत भी काम ले सकती है, अपना हुकूमत की पॉलिसी, हुकूमत के जो नया प्रोजेक्ट, उसके लिए भी हम अच्छा अच्छा काम कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारा सुल्तान, और आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं गोगा लाहौरिया की ओपनिंग के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बड़े लेवल पे एक ओपनिंग हुई है आज। बहुत टाइम के बाद स्टूडियो में दोबारा से इस लेवल की ओपनिंग की गई है, और सारा क्रेडिट जोन साहब गोगा लाहौरिया साहब को जाता है, उनके नाम पर फिल्म बन रही है। इसी कास्ट में मैं हूँ, मोहम्मद राना है, और सैफ खान है, जिनको हम इसमें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं साथ अपना, और इंशाल्लाह एक बड़े लेवल की अच्छी फिल्म देखने को मिलेगी सर। थैंक यू।